सूर्यांश प्रांसन पौर। दोस्तों आप इस गमले में लगा हुए मनी प्लांट देखो, तकरीबन 12 हो गए हैं इसी गमले में लगे हुए, लेकिन अब इसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी 4-5 साल पहले थी। तो अब ये बहुत ज़्यादा लैगी होता जा रहा है, इसकी बहुत सारी रूट्स भी गल गई है, स्टेम्स भी गल गए हैं। आप देख सकते हैं कि पत्तियाँ बहुत दूर दूर हैं और हम इसको रिमूव भी करेंगे, काफ़ी हद तक ये डैमेज हो चुका है। देखिए बहुत लैगी है, अब ये उतना घना नहीं रहता और हम इसकी प्रूनिंग भी बीच बीच में करते रहते हैं, लेकिन उतना इफ़ेक्ट नहीं होता है। नया सॉइल मिक्सचर रेडी करेंगे, सारा गमले में से निकाल के और दिखाएंगे कि कैसे फिर से लगाना है। स्टेम्स आप देख रहे हैं कि बहुत मोटी मोटी स्टेम्स थी, वो बिल्कुल गल गई हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा बहुत पुराना कोई मनी प्लांट गमले में लगा हुआ है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है कि आप उसको दोबारा से ग्रो करें। रिवर्स तो इसके लिए बढ़िया सा पोरस सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे। रिवर्स सैंडली है और ये गार्डन सॉइल है। काफ़ी सारी जो मिट्टी है इस गमले की ही निकालेंगे और ये है किचन वेस्ट से तैयार किया ऑर्गेनिक कंपोस्ट। इसके अलावा हम इसमें और कुछ नहीं मिला रहे हैं, ये बहुत आइडियल सॉइल होती है, इसमें ये बहुत अच्छे चल जाता है। बहुत सारा सॉइल मिक्सचर हमने रेडी किया है ताकि दूसरे गमलों में भी हम यूज़ कर सकें। तो गमले को हमने खाली कर लिया है और सारी गली हुई रूट्स निकली थी क्योंकि ये बहुत सालों से इसी में था, कभी इसकी सॉइल चेंज नहीं हुई। नीचे गमले में कोई कंकड़ या ईंट का टुकड़ा ऐसा कुछ रख देंगे, और मेरा तो यही मानना है कि जब हम दोबारा से ऐसे किसी प्लांट को हटाते हैं तो नई कटिंग्स ही ग्रो कर देनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेंगी। लेकिन कुछ एक दो प्लांट इसमें मदर प्लांट भी लगाएंगे तो कटिंग आप सभी जानते हैं कि कैसे लगानी है, कि नोड मैं दो दो नोड एरिया ले रही हूँ, एक नोड एरिया को नीचे मैं मिट्टी में दबा दूँगी और दूसरे से अच्छी खासी ब्रांच निकल जाएंगी। तो मैं बहुत सारी कटिंग्स रेडी कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा इसका ब्रांचेस था। कुछ जो मनी प्लांट की कटिंग्स हैं वो मैं ग्रो बैग में लगाऊंगी, जो मैं अपने साथ नोएडा लेके जाऊंगी, वहाँ पे मेरे एक दो गमले खाली हैं, वहाँ पे मैं ग्रो कर दूंगी और काफ़ी सारों को इसी में ग्रो करूंगी ताकि और भी घना दिखे। गमले में इसको मिट्टी भर ली है, तो कुछ मदर प्लांट है जिनमें रूट्स थी और कुछ कटिंग्स को इसमें लगाया है। तो दोस्तों अभी मैं लगाने के बाद का वीडियो आपको शो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसको मैं गलती से फिल्माना भूल गई और उसके बाद वापस हम आ गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको लगाना है, आपके पास भी है तो आप लगाइए। मनी प्लांट को लगाने का बहुत ही अच्छा आइडियल टाइम है। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर ज़रूर दूंगी जब भी हम घर पर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।